أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی لیکن بھائیوں کا حکم اور بالخصوص اللہ رب العزت کی رضا اور آپ کے اس مرکز کا افتتاحی جمعہ یہ سب چیزیں میری صحت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی حق سننے کی اور پھر حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ میرے لیے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ رب العزت کے نام پر اس کے دین حنیف کے پرچار کے لیے اس کے قرآن کی بالادستی کے لیے اور اس کے نبی کے فرمان کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے یہ اللہ کی توفیق سے ہمارے بھائیوں نے اور دوستوں نے کوشش و کاوش کے بعد اس مرکز کو کھڑا کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے اور جن حضرات نے اس مرکز کے لیے زمین مہیا کی جن حضرات نے اس کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا اللہ رب العزت تمام کے تمام دوستوں کو ہمارے ان بھائیوں کو عزت و آبرو سے نوازے اور اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے حضرات میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی
तो सेहत अच्छी हुई तो दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। बस इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब कयामत तक के लिए मुकम्मल किया है और कयामत तक आने वालों के लिए हदायत का और रहनुमाई का और जन्नत के दाखले का सबब बनाया है, वो दीन दर हकीकत तौहीद है। तौहीद है मेरा आपका दीन, हमसे जो पहले गुजर गए उनका दीन और जो कयामत तक आएंगे उनका दीन, ये सिर्फ और सिर्फ तौहीद के गिर्द घूमता है। तौहीद के गिर्द अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो याद रखिए, दुनिया की हर अच्छाई, दुनिया की हर नेकी, इस जमीन की हर खूबी, इस जमीन की हर भलाई, इस जमीन की हर खैरखाही और अजमत और रिफत, वो तौहीद के शजराए तैयबा से मुंसलिक है। आप अमल की सूरत में देख लें, नजरिए की सूरत में देख लें, फिक्र की सूरत में देख लें, अमल की सूरत में देख लें, दुनिया की कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई भलाई, उसका रिश्ता जब आखिर में जुड़ेगा तो तौहीद के दरख्त के साथ जुड़ेगा। और तौहीद इस कायनात का सबसे बड़ा सच है। तौहीद वाला इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा मुबारक है, सबसे बड़ा खुशकिस्मत है। और इसकी जिद जो है, इसकी जिद जो है वो शिर्क है। और शिर्क क्या है? दुनिया का हर पाप, इस जमाने में हर बुराई, हर धोखा फरेब, हर नजस चीज, उसका रिश्ता अगर आप ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो वो शजराए खबीसा शिरक से जाके मिलेगा। इस सबक को याद कर लें आज। लेकिन यहां रुक के मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे और आपके असलाफ ने, सहाबा ने, फिर ताबा ने, तबा ताबा ने, फिर आइमा दीन ने, इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम जैसे सुलहा ने, फुकहा ने, उलमा ने अपनी अपनी किताबों में जो तौहीद का नक्शा बनाया है, जो खींचा है, उसकी पहचान करवाई है, वो उस वक्त का शिरक था, वो उस वक्त की तौहीद की बातें थी। आज इस पुरफितन दौर में, इस बेहयाई के जमाने में, इस शैतानियत का जिस दौर में अरूज हो, इसके अंदर अब शिरक का गंद इतना फैल चुका है कि जिस जमाने में मैं और तुम गुजारा कर रहे हैं, इसमें तो शिरक इस कदर
किस्मा किस्म का मेरे और तुम्हारे दरवाजों के सामने नंगा नाच रहा है कि अब उसकी पहचान ही मुश्किल हो गई। और आका अलैहिस्सलाम ने कितने बरस पहले, 1400 साल पहले क्या फरमाया था? फरमाया रात का स्याह अंधेरा हो और स्याह रंग का पत्थर हो, उस पत्थर पे स्याह रंग की कीड़ी रींग रही हो, चींटी रींग रही हो। फरमाया मेरे साहबा, जिस तरह उस कीड़ी को, उस चींटी को ढूंढना मुश्किल है, इससे कहीं ज्यादा शिरक की पहचान मुश्किल है। और मैं यहां जो आपसे अर्ज करने आया हूं वो ये है कि मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, आप सोसाइटी बनाए, दुकान बनाए, महल बनाए, आप गाड़ी रखें, आप जो कुछ दुनिया का बेहतर से बेहतर है उसे हासिल कर लें, लेकिन वो उस वक्त तक तुम्हारे लिए खैर नहीं बन सकता जब तलक तुम सच्चे मुवाहिद नहीं बन जाते हो, शिरक से इज्तनाब नहीं करते और तौहीद के पैरोकार नहीं बन जाते हैं। शिरक की तीन किस्में हैं, इसी तरह तौहीद की भी तीन किस्में हैं। एक शिरक फिज़ात है, एक शिरक फिसफात है। एक को उलमा ने लिखा है बाज ने के शिरक फिल हकूक है। तीन किस्में हैं, अगर इन तीनों की पहचान न हुई तो याद रख लेना दुनिया में कामयाबी कभी कामयाबी नहीं बन सकती है। मैंने और आपने आजकल अपने जो उलमा से सीखा है और जो पढ़ा है और जो सुना है, हमारे नजदीक सिर्फ ये है कि कब्र पे सजदा करना शिरक है। कब्र पे सजदा करना शिरक, जो सजदा नहीं करता वो वहाबी है। या अपनी हाजात को लेकर किसी के दर पे जाके मांगना शिरक है। हां है, लेकिन दोस्तों याद रखना इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं कि आप एक जली शिरक को, एक उरिया शिरक को तो मान लें, जान लें और पहचान लें, और उसके नीचे 99 शाखें जो शिरक की हैं उसकी पहचान ना करें। शिरक तो थोड़ा सा भी कर लो। कायनात के इमाम ने फरमाया, दो मुसाफिर सफर कर रहे थे, एक रास्ते में दरबार आया, खानकाह आई, उन्होंने कहा हमारा असूल है जो भी इस दरगाह से गुजरता है इस पे कुछ ना कुछ नजरो न्याज करके चढ़ावा चढ़ा के जाता है, आपको ये अमल करना पड़ेगा तब जान छूटेगी। एक ने कहा जायज तो नहीं है, चलो कुछ नहीं, इनकी भी रह जाए और मेरी जान भी बच जाए। उसने हवा में उड़ती हुई मक्खी को पकड़ा और मारा और कहा कि मेरी तरफ से यह चढ़ावा है, जान बच गई। निकल पड़ा एक दीवाना उठा, उसके साथी ने कहा कि कट जाना गवारा है मगर अर्श वाले के सिवा किसी और के दर पे मक्की मार के भी नजराना देना ना मेरा रब मानता है ना मैं मानता हूं।
उसने इनकार किया। कायनात का इमाम कहता है उसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन मक्खी मारने वाला जहन्नमों का वारिस बन गया और अपने रब के नाम पे मक्खी मार के भी ना फेंकने वाला अल्लाह ने जन्नत अल फिरदौस का वारिस बना के रखा। तो लिहाजा मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों, मेरी और तुम्हारी जिंदगी का महवो मरकज, मेरी और तुम्हारी इबादत का, मेरी और तुम्हारी सांसों का, मेरे और तुम्हारे सजदों का, मेरे और तुम्हारे नवाफल का, मेरी और तुम्हारी नमाजों का, मेरी और तुम्हारी सदका खरात का, मेरे और तुम्हारे हज का, मेरे और तुम्हारे उम्रे का, उस वक्त तक अल्लाह के यहां दर्ज नहीं हो सकता जब तक वो मामूली से मामूली शिरक से पाक नहीं हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक शिरक फिजात है, आइए जरा बात को समझिए। शिरक फिजात क्या है कि एक अर्श वाले की जात जैसी किसी की जात ना मानना। यहां जरा बात समझना कि वो यकता है, बेमिसाल है, कुल हुवल्लाहु अहद है, फला तज़रबू लिल्लाहिल अम्साल है, लैसा कमिस्ले ही शैया है, कि उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल उस जैसा कोई नहीं। अब ये अकीदा इस दुनिया में ईसाई का भी है, यहूदी का भी है, हिंदू का भी है, और जिस मक्का वालों ने मेरे और तुम्हारे आका को तकालीफें दी थी उनका भी यही अकीदा था। वो मानते थे कि वो सबसे बड़ा है, आला है, इलाह है, अल्लाह है, सबसे बुलंद है, आला है, अरफा है, आखिर है, लेकिन उसके नीचे उसके साथ और भी हैं। यहूदी मक्का वालों ने कहा लात भी उसका हिस्सा है, मनात भी उसका हिस्सा है, फलां भी उसका जुज है, लेकिन कहते थे कि ये सारे के सारे उसी के अंडर है, उसी के ताबे हैं। ये शिरक फिजात ऐसा बदबख्त गुना है कि अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा इससे नफरत की, इससे नफरत, इस कुफर को, इस शिरक को अल्लाह ने पसंद नहीं किया। आगे चलिए, हिंदुओं को देखिए, बरसगीर का इलाका है ये, पाको हिंद बरसगीर का हिस्सा है, बरसगीर है, वो क्या कहते हैं, उनका अकीदा भी यही है कि एक ये छोटी देवी है, ये बड़ी देवी है, ये देवियां हैं, ये देवता है, एक सबसे बड़ा देवता है, महात है। उनका अकीदा भी यह है कि है वो जरूर है, वही जमीन व आसमान उसी का, बारिश वही डालता है, हवाएं वही चलाता है, मौत वही देता है, जिंदा वही करता है, लेकिन अकेला है, मगर यह भी उसने साथ रखे हुए। यहूदियों ने भी यही कहा, ला हौल वला कुव्वत, सबसे बड़ा शिरक इस कायनात में और सबसे गंदा शिरक और सबसे कमीना शिरक और सबसे लानती शिरक वो यहूदो नसारा ने किया। क्या किया? उन्होंने कहा उजैर अल्लाह का बेटा है,
और यहां मुझे बात याद आई, सबसे इस रूए जमीन पे शिरक करने वाली वही कौमें हैं, सुनना बात, जिन कौमों ने नबियों को बड़ा माना है। सुनना बात, ये नुक्ता है नुक्ता। हम भी 12 रबीउल अव्वल को बड़े नाचते हैं, घोड़े सजाते हैं, गधे सजाते हैं, और दावा करते हैं जी हमसे बड़ा मानने वाला कोई नहीं। आ जाओ, काबा का रब जानता है इस रूए जमीन पर जितना कोई नबी का नाम लेवा ज्यादा गुजरा है, उतना ही बड़ा वो मुशरक भी ज्यादा गुजरा है। कैसा हुआ लोगों, कुरान पढ़ो कुरान। इस कुरान में रब ने जिस तरह इब्राहिम का तذکرہ किया है, किसी और नबी का नहीं किया है। मा कान लिल मुशरिकीन, ओए जिसे अर्श वाले की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए कि मेरा ये बंदा मुशरक नहीं, उससे बड़ा बंदा कौन हो सकता है। ये अगर रुतबा मिला, अगर ये बुलंदी मिली, अगर ये एजाज मिला, तो काबा के रब की कसम इब्राहिम को मिला है। तीन नाम है, तीन, एक खलीलुल्लाह है, एक अबुल अंबिया है, एक इमामुन नास है। ये मुकाम किसका है भाई? इब्राहिम का है। अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं तेरे इब्राहिम की तौहीद पे। क्या कहता था, आजकल भी आप हॉस्पिटलों के सामने लिखी हुई आयत पढ़ते हैं। जब बीमार होता था तो ये नहीं कहता था कि अल्लाह तूने मुझे बीमार भी किया है, अब तू मुझे शिफा भी अता कर। वाइजा मेरे तो फहो व यशफीन, अल्लाह जब मैं बीमार हो जाता हूं फिर तू शिफा देता है। और बीमारी नक्स है और अल्लाह ही की तरफ से आती है। इब्राहिम मैं तेरी तौहीद पे सदके जाऊं, तू कैसा मवाहिद था कि नक्स बीमारी को अपने अमाल से जोड़ लेता था और शिफा सिफत है उसको अर्श वाले के साथ जोड़ देता था। उस इब्राहिम की आल से उजैर पैदा हुआ, इसीलिए अबुल अंबिया कहा गया ना। इस्माइल आया तो उसी की नस्ल से, इसहाक आया उसी की नस्ल से, याकूब आया उसी की नस्ल से, मूसा आया और उसी की नस्ल से आया, और फिर आमना का लाल भी आया तो इब्राहिम की नस्ल से ही आया। यह है अबुल अंबिया। खलीलुल्लाह भी है, क्या मतलब है, उस अर्श वाले का दोस्त, उसका यार, उसका बेली। अबुल अंबिया भी है, इमामुन नास भी है, लेकिन हालत क्या है कि उसी की कौम में एक बदबख्त लोग उठे जिन्होंने कहा कि उजैर नऊज बिल्ला अल्लाह का बेटा है। और याद रखना, ईसाई उठे, उन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। और मुसलमानों, अरबी में दो लफ्ज बोले जाते हैं, एक इबन है एक वलद है। इबन बेटे के लिए भी बोला जाता है और चीजों के लिए भी बोला जाता है। इब्नु सबील, सफर का बंदा, सफर का बेटा, जो बंदा ज्यादा सफर करे उसे अरबी में कहते हैं इब्नु सबील। आप भी इस जमाने में एक लफ्ज बोलते हैं इब्नुल वक्त, हैं जी, ओ बंदा जी फलां बंदा बड़ा इब्नुल वक्त है। उसका यह मतलब नहीं कि वक्त का बेटा है, एक उर्फ आम में बोला जाता, लेकिन वलद सिर्फ उसके लिए बोला जाता है जो किसी के अंदर से पैदा होता है। इन बदबख्तों का यह हाल देखो, यहूदियों ने नऊज बिल्ला कहा कि उजैर अल्लाह का बेटा है, वलद है, ईसा अल्लाह का बेटा है। रब ने कुरान में कहा, ओए बदबख्तों, तुमसे बड़ा बेशर्म और मेरे सामने नफरत वाला कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता।
इसलिए कि जब किसी का बेटा मान लिया जाए तो वो अहद नहीं हो सकता है। और हम बेटा क्यों मांगते हैं भला? पैगंबर भी मांगते थे रब्बे हबली मिन सालिहीन, कि अल्लाह हमने तो मर ही जाना है मगर हमारा नाम जिंदा रखने के लिए हमें बेटा दे दे। और जिसे मौत नहीं आएगी उसे बेटे की क्या जरूरत है? बेटा तो वो चाहता है ना जिसने मर जाना होता है। और ये मेरे रब की सिफत है कि तेरा मेरा रब कदीम है, हादिस नहीं है, हादिस नहीं है। तू मैं हादिस है, पैदा हुए मर जाएंगे, कभी नहीं थे, आज हैं, फिर नहीं होंगे। अर्श वाला अव्वल भी है आखिर भी है। और कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम युलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी सिफत ये है, ना उसने किसी को जना है, ना उसने किसी को जना है, ना उसे किसी ने जना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शिर्क फी ज़ात, लोगों समझो कि उस जैसी जात किसी की नहीं है। उस जैसी जात ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है। और इसी तरह शिर्क फी सफात है, वो क्या कि जो उसकी सिफत है वो उसकी मखलूक की नहीं हो सकती है। और यहां भी एक नुक्ता मैं अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, इसके अंदर बड़े लोग गुमराह होते हैं। मेरे जुमे का समझ लिए कि खुलासा है ये लफ्ज, ये बात समझिए तवज्जो से। शिर्क फी ज़ात ये है कि समझा जाए कि उस जैसा कोई खालिक व मालिक नहीं, कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं। इलाह है, वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अकेला है, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर शिर्क फी सफात ये है, समझिए जरा, कि जो अल्लाह की सिफत है वो किसी बंदे की नहीं हो सकती। अब यही झगड़ा पड़ा है बरेलवी वहाबी का, यही झगड़ा पड़ा है इल्मे गैब का और बे इल्मे गैब का, यहीं से झगड़ा पड़ा है हाजर और नाजर का, हाजर है कि गैब है। मसला क्या है? मसला लोगों ये है, तीन बातें याद कर लो, तीन बातें। देखिए लोग कहते हैं अल्लाह गनी है, कुरान कहता है अल्लाह गनी है, अल्लाह गनी है। तो तुम भी मुआशरे में किसी मुखय्यर बंदे को कह देते हो ना कि वो बड़ा गनी है, कह देते हो ना। अल्लाह अलीम है, जानने वाला है। यहां दो टके का मेरी जैसा मेरा जैसा मौलवी आ जाए आप लिख देते हैं अल्लामा, ये अलीम से भी बड़ा लफ्ज है। अल्लामा इसम मुबालगा है, बहुत बड़ा जानने वाला। लेकिन अल्लाह भी अलीम है और आप मौलवी को भी अल्लामा कह रहे हैं, आप लोगों को भी अलीम कह रहे हैं। ये सिफतें टकराती हैं आपस में, इनसे कैसे बचना है भाई? आइए सुनिए बात। अल्लाह अलीम है लेकिन अल्लाह का इलम अताई नहीं है, उसका जाती है, उसका जाती है। बाकी जितने भी अलीम हैं वो अताई हैं, वो आज खुद है, उसे कोई देने वाला नहीं है। हाय अल्लाह मैं तेरे अलीम होने पे मिट जाऊं, तूने सबको इल्म दिया है, खुद तूने किसी से नहीं लिया है। ये अगर जहन में आए कि फलां भी अलीम है, फलां भी गनी है, फलां भी फलां है, अगर उसकी सिफत तेरे रब की सिफत से टकराए, अगर तेरे अकीदे में ये बात है कि ये अताई है वो खुद ब खुद है, आज खुद है, तो फिर ये शिर्क नहीं हो सकता, शिर्क से बच जाओगे।
अगर कोई ये कहता है नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कौन था बदबख्त, बड़ा मशहूर है, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, गौहर शाही के गालबन के, वो बकवास कर रहा था, कह रहा था जी अब्दुल कादर जलानी कब्र में जब गया मुनकर नकीर आए, उन्होंने कहा मर रब्बो का, उन्होंने सवाल किया, कह लगा अब्दुल कादर जिलानी ने दोनों को गिरबान से पकड़ लिया। यह कैसी बात, ये उम्मत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कर रहे हैं, कोई नमाज का फायदा नहीं, कोई अब्दुल्ला नाम रखने का फायदा नहीं है, गुलाम मुस्तफा नाम कहलवाने का फायदा नहीं है। जब तक तुम रब की जात को नहीं समझ लेते, उसकी सफात को नहीं समझ लेते और उसके हकूक को नहीं समझ लेते, पैदा होने का ही फायदा कोई। कह रहा था उसने गिरेबान से पकड़ा और पकड़ के ऐसे दोनों को खड़ा कर लिया। वो कहने लगे ये क्या भाई, ये किससे हमने पूछ लिया है? कह लगा अब्दुल कादर जिलानी ने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा क्या जवाब, क्या सवाल है तुम्हारा? कह लगा मेरे जद्दे अमजद आदम को तुमने सजदा क्यों नहीं किया था, सजदा क्यों नहीं किया? कह लगा उनकी जान निकलने लगी थी। उन्होंने कहा जी हमें छोड़ो अब्दुल कादर साहब, हम अभी अपने रब के पास जाते हैं, उससे पूछ के आते हैं। ये क्या तमाशा है, आ लोगों, ना रब की जात जैसी किसी की जात है, ना उसकी बात जैसी किसी की बात है, ना उसकी सिफात जैसी किसी की सिफात हो सकती है, और ना ही उसके हक जैसा किसी का हक है। वमा कदरुल्लाह हक का कदरे, कुरान कहता है कि अल्लाह का उस तरह हक क्यों नहीं अदा करते जिस तरह हक अदा करने का उसने तुम्हें हुक्म दिया हुआ है। यह कोई मुसलमानी नहीं है, यह कोई इस्लाम नहीं है। तो मैं कह रहा था कि शिरक फिस सफात जो है इसमें लोगों ने बड़ा धोखा खाया है। लोगों समझ लेना बात, तीन बातें याद रखना, एक अल्लाह कदीम है, हादिस नहीं है, और अचानक पैदा नहीं हुआ, हमेशा हमेशा से पैदा है, पहले दिन से कदीम है। और दूसरी बात यह है कि वो हादिस नहीं है, कदीम है, और दूसरी बात यह है कि वो ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, उसे तो कभी ऊंग भी नहीं आती है। वो जात ऐसी जात है, अर्श वाला इतना बड़ा कादिर है, इन्नल्लाहा अला कुल्ले शैयन कदीर है। ओए मेरा अगर नाम अलीम है, मैं जानने वाला हूं, मुझे दीवार के दूसरी तरफ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा अलीम है कि आसमानों पे बैठा है, कोई जमीन पे जर्रा भी उससे मख्फी नहीं है। एक दिन मैं दोस्तों के साथ जा रहा था तो रास्ता भूल गए, तो हमने गूगल पे जिस जगह जाना था उसका नाम लिखा, फर्ज करो जड़ा वाला लिख दिया, आपके मरकज का नाम लिख दिया। जब लिखा तो वो एक खातून बोलने लगी कि यहां से इतने किलोमीटर पे है, यहां से सीधे जाएंगे, वहां से बाएं होएंगे, वहां से दाएं हो जाएंगे, और इतने मिनट के बाद तुम्हारी मंजिल आ जाएगी। अल्लाह, इस्लामाबाद का वाकया। मेरे दिल में रब ने बात डाली, मैंने दोस्तों से कहा कि 7 अरब के लोग हैं, 7 अरब, 7 अरब एक वक्त पे इस गूगल पे पता नहीं कितने करोड़ों लोग लिखते हैं कि हम भूले हुए हैं, हमने अपने घर जाना है। एक एक गूगल है, इंसान की पैदा की हुई चीज है। और जालिमों, अर्श वाले को क्यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, उसकी ताकतों को, उसकी कुदरतों को, उसकी बुलंदियों को क्या
क्यों नजरअंदाज किया हुआ है कि एक इंसान का बनाया हुआ पुर्जा वो करोड़ों नहीं अरबों लोगों को एक वक्त पे बता रहा है कि तूने दाएं जाना है, तूने बाएं जाना है, तूने सीधा जाना है, तूने पीछे जाना है। अगर इंसान का बनाया हुआ इलम, पैदा किया हुआ पुर्जा अरबों लोगों को सैटेलाइट के जरिए देख रहा है तो मैं मिट जाऊं, इन सब चीजों का खालिक क्यों नहीं देख रहा है? अल्लाह अकबर, वो क्यों नहीं देख रहा? उसके सामने एक दरख्त का पत्ता भी कट जाए तो अरशों वाला देख रहा होता है कि मेरा वो पत्ता जमीन पे गिर रहा है। वो तो वो है कि जमीन पे कीड़ी रींगती है, अल्लाह उसके कदमों की आहट को भी आसमानों पे सुन रहा है। आ लोगो, सब कुछ उसी के तर से मिलेगा, सब कुछ वहीं से पाओगे। अगर उससे जुदा हो गए, उसकी कदर ना कर सके, उसके साथ शिरक कर बैठे, और जमीनों पे उगने वाले पहाड़ों को भी सोना बनाकर तुम सदका भी कर दोगे तो अल्लाह की जहन्नम से कभी नहीं बच सकोगे। अम्मा आयशा ने सवाल पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि आका, आपके आने से पहले इस मक्का में एक ताजर हुआ करता था, या रसूलल्लाह, उसका अमल यह था कि जब हज का मौका आता मक्का में तो वो सारे के सारे हाजियों के लिए फ्री खाने का इंतजाम करता, लंगर खाने खोल देता। जब हज खत्म होता तो 1000 हाजी को वो शाही जोड़ा तोहफे के तौर पे पेश करता, 1000 हाजी को। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसे अल्लाह ने जन्नत अता की है? ये फर्क है जन्नत का और दोजख का। अल्लाह से, अल्लाह ने यही तो कहा है कुरान में कि जिसने थोड़ा सा भी शिरक किया उस पे जन्नत हराम हो गई। और आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, जमीन की सतह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक कोई गुनाह लेके आया कयामत के दिन मेरे सामने, अगर उसमें शिरक की बू ना हुई तो मैं उन गुनाहों को नेकियों में बदल के उसे जन्नत का वारस बना सकता हूं। एक ही तो सबब है, एक ही फर्क है। क्या फरमाया आका, उसका अंजाम क्या बना, क्या बीती उसके साथ? आका फरमाते हैं, मेरी आशा, उसके सारे के सारे अमल अल्लाह ने मरने के बाद उसके मुंह पे दे मारे थे। यार सुल्ला, क्या वजह थी, क्या सबब था? फरमाया, आशा, जब वो ये जोड़े तकसीम करता, जब हाजियों को खाने खिला लेता तो बैतुल्ला का दरवाजा खुलवा के अंदर दाखिल होके क्या कहता? किसी ना किसी बुत के सामने खड़े होके कहता कि मैं तो अमल करके आ गया हूं, अब तू ऊपर वाले को कह दे कि वो इसे पास कर ले। मेरे शिरक में और उसके शिरक में कोई फर्क है? नऊज बिल्ला, हम भी तो पुख्ता कब्रों पे जाते हैं, चिप्स ज़दा कब्रों पे जाके माथा रखते हैं और यही कहते हैं ना, मस्जिद बनवाया हूं, अब शाहजी अल्लाह से कहो कि मेरी मस्जिद को कबूल कर ले। लोगो आओ, नबी के दावेदार अगर बनना है, अगर रब के कुरान का दावा करना है, अगर मुसलमान होने का सच्चा प्रचार करना है तो पहले शिरक को समझो, फिर कोई और काम करो। इस पे तवज्जो दो, इस पे तवज्जो दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सफर में थे, आपके साथ अपने सहाबा भी थे, रात हो गई, आपने जंगल में पड़ाव किया, सुबह फजर की नमाज सहाबा को उसी जंगल में पढ़ाई, नमाज से फारग हुए तो आपने रुखे अकदस सहाबा की तरफ किया और फरमाया, मेरे सहाबा, आज रात आसमान से बारिश हुई थी,
यार सुलह हुई थी। फरमाया इस बारिश के थमने के बाद इस रूए जमीन पे दो ग्रोह बन गए हैं, दो ग्रोह। एक वो ग्रोह है जो अर्श वाले की तौहीद का प्रचार कर बैठा, और एक वो ग्रोह है जो अल्लाह की तौहीद के साथ शिर्क कर बैठा। या रसूलल्लाह इसका जरा वाजे फरमाइए मसला। आपने फरमाया मेरे सहाबा जब बारिश रुकी तो कुछ लोग थे उन्होंने आसमान की तरफ देख के कहा कि हां ये सितारे जब इस जगह होते हैं तो बारिश जरूर होती है, बारिश जरूर होती है। फरमाया जिन्होंने सबब बारिश का सितारों को शुमार किया, अर्श वाले ने कहा ये सितारों पे ईमान ले आए हैं, मुझ पे ईमान नहीं लाए हैं। और जिन्होंने कहा एक सितारा तो कुजा, लाख सितारे आ जाएं, उस वक्त तक बारिश नहीं आती जब तक सितारों का रब बारिश नाजल ना करे। उन्होंने सितारों का इनकार कर दिया है और अपने परवरदिगार का इकरार किया है। इसीलिए तो फरमाया था मेरी उम्मत पे लौ का कलमा हराम है कि अगर कोई कहे कि अगर कुत्ता ना रात भौंकता तो मेरे घर डाका पड़ जाता। कायनात का इमाम कहता है यह शिर्क है। अगर कोई कहे मैं दवाई ना खाता मुझे शिफा ना मिलती, शिर्क है। अगर कोई कहे मैं खाद ना डालता फसल बर्बाद हो जाती, शिर्क है। अगर कोई कहे फला मुझे ना मिलता मैं मर जाता, शिर्क है। अगर कोई कहे मुझे फला चीज ना मिलती मैं सुबह दुकान इतने वक्त पे ना खोलता भूखा मर जाता, अगर का लफ्ज इस उम्मत मुहम्मदिया पे कायनात के इमाम ने कहा है हराम है, हराम है, हराम है। जब भी मोहम्मद का गुलाम बात करता है तो यही कहता है अगर अल्लाह ने चाहा ये हो जाएगा, अल्लाह ने कहा ये हो जाएगा, अल्लाह ने किया तो ये हो जाएगा। और जो भी होना होता है और जो हो जाता है उसे सिर्फ अपने अर्श वाले से मंसूब करता है। ये मोहम्मद के गुलाम की शान है। लोगों आओ उसकी जात जैसी किसी को किसी की जात ना समझो और उसकी सफात जैसी किसी की सफात ना समझो, उसके हकूक जैसे किसी के हकूक ना जानो। सब कुछ मिट जाता है, मिटा दो बच्चे कुर्बान करना पड़ते हैं, कर दो खुद कटना पड़ता है, कट जाओ जो भी लुटाना पड़ता है लुटा दो। काबा के रब की कसम है ना अपने रब से बेवफाई करो ना उसके मोहम्मद से बेवफाई करो। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد कमा बारक ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दो लोगों की निस्बत हमें हदीस के जरिए और तारीख के जरिए मिलती है। एक आपका अपना सगा चचा अबू तालिब है जो खूनी रिश्तेदार भी था, अम्मा फातिमा तो जहरा का ससुर भी था, अलीउल मुर्तजा का बाप भी था, और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि खुद मोहम्मद का मोहसिन भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर तरह की मुसीबत उसने मक्का के अंदर जब तक जिंदा रहा उसने अपने भतीजे को मोहब्बतों में रखा और उसका साथ दिया, हत्ता के खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब निकाह होने लगा तो बारात गई अम्मा खतीजा के घर, तो कुरैश के कुछ लोगों ने कहा कि यार इस यतीम मोहम्मद की किस्मत बड़ी तेज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्का की इतनी बड़ी सरदारा के साथ इसका निकाह होने लगा है। वहां मक्का के लोगों ने अम्मा खतीजा के माल का, उसके सीमो जर का, उसकी बड़ाई का तस्करा शुरू कर दिया कि फलां है फलां है फलां है फलां। हदीस में आता है अबू तालिब खड़ा हुआ कहने लगा अपनी जुबानें बंद करो, जिस भतीजे को मैं लेके आया हूं इसका तो चेहरा ही इसकी सब चीजों से बड़ा है, जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका खतीजा की जायदाद क्या मुकाबला कर सकती है। बड़ा मुफस्सर खुतबा दिया, लोग खामोश हो गए, इतना वफादार, इतना अपने बेटे और भतीजे से प्यार करने वाला। लेकिन दूसरी तरफ ये आलिम है कि हजरत अली मस्जिद नबी में, सॉरी मक्का में एक मजलिस में आए, आका तशरीफ फरमा थे तो आके क्या फरमाया, फरमाया इन्ना अम्मक ज़ाल कदमात, या रसूलल्लाह आपसे प्यार करने वाला, आपका दम भरने वाला, आपका गुमराह चाचा मर गया है। कितना बड़ा रिश्ता, कितनी बड़ी निस्बत, कितना बड़ा जज्बा और अजम अपने भतीजे के लिए। आपने फरमाया इज़हब फवारी है अली, अगर मर गया है तो जाके कोई गड़ा खोदो और उसे दबा दो, ये है शिरक की सजा। तो अली क्या कहते हैं, वल्लाहे ला ओवारी है इन्नहु माता मुशरिका, अल्लाह के रसूल मेरा बाप था, मेरी मोहब्बत का मरकज था, लेकिन मुशरक की मौत मर गया है, अली अपने हाथ से उसे दबाना भी पसंद नहीं करता, ये है शिरक। और तौहीद क्या है, एक दूसरा भी अदना सा शख्स है, नस्ल दर नस्ल गुलाम है, कद भी छोटा है, रंग भी काला है, होंठ भी मोटे हैं, जुबान भी तोतली है, और बिकता बिकता किन हाथों से बिकता आया, अबू बकर आजाद करवाता है, मोहम्मद का गुलाम बन जाता है, सारा मक्का उस पे टूट पड़ता है, मगर वो यही कहता है मैं अपने काले रंग की चमड़ी जलवा लेना पसंद कर लेता हूं मगर अपने रब से शिरक पसंद नहीं करता हूं। इस जज्बे को, इस निस्बत को, इस तौहीद को, इस अर्श वाले के हक की अदायगी को अर्श वाले ने इतना पसंद किया कि मेराज की रात आका पूछते हैं जिब्राइल से इस खूबसूरत जन्नत में ये आवाज किसकी है, ये किसकी आवाज है, क्या जवाब दिया, फरमाया आका ये किसी और की आवाज नहीं, आपके अदना गुलाम बिलाल के टूटे हुए जूते की आवाज है। वो जमीन पे पांव मारता है, अर्श वाला उससे इतना प्यार करता है कि उसके जूते की आवाज जन्नत के फरिश्तों को सुनाता है। लिहाजा आइए, इस दुनिया में अगर कामयाब बनना है, इस दुनिया में अगर अपनी कब्र से जाने में पहले, कब्र में जाने से पहले अपने रब को राजी करना है, तो उससे रजू कीजिए, उसके हकूक का ख्याल कीजिए, उसकी सिफात पढ़िए, उसकी जात जानिए। जब जान जाओ सारी दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखो, जहां मरो जहां झुको, जहां रकू करो, जहां सजदा करो, जहां क्याम करो,
सिर्फ इसलिए करो कि वही पैदा करने वाला है और वही मारने वाला है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ने जो सुनाने की, जो सुनने की तौफीक बख्शी, अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआ बना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।